तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का मौसम जो है सुहाना है दोस्तों, और हवा भी खूबसूरत चल रहा है। तो हम कुछ सोचते हैं कि कुछ गांव का एक नजारा शूटिंग कर लेते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या कर। तो दोस्त फिलहाल अभी थोड़ा सा आप मौसम देखिए, और थोड़ा सा हम बगल आएंगे, थोड़ा सा मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो ये देखिए हमारा फिलहाल जो अभी गांव में धान की खेती की जा रही है दोस्तों, उसका फसल देखिए किस तरह से फूटने लगा है दोस्तों, और किस तरह से इन किसानों का मेहनत रंग लाया है दोस्तों। दोस्तों आज यार मौसम बहुत मस्त है, तो हम आपको कुछ प्रकृति से ऐसी चीज दिखाएंगे जो अभी इंसान प्रकृति से मजाक करने पर तुले नहीं। तो हम ऐसे कुछ पेड़ दिखाने वाले हैं दोस्तों, जो कि उनको काटा नहीं गया है और वहीं पर उस चीज़ को लगा दिया गया है दोस्तों, और ऐसे लोगों पर बहुत गर्व है दोस्तों। तो चलिए, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्त अभी जो फिलहाल एक पेड़ का बात कर रहे हैं, तो वो दोस्तों ये है वृक्ष का, और ये है यही वृक्ष है दोस्तों जिसका नाम है पीपल। हाँ दोस्तों, यही एक ऐसा एक लौता पेड़ है दोस्तों ऑक्सीजन हमको प्रदान करता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन दोस्तों उन सब में एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि दोस्तों ये इसका जो मालिक है वो आप देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल टाइम हो गया है मोटर का, लेकिन दोस्तों वह है बोरिंग, और थोड़ा सा मैं आपको जाकर नहीं दिखा सकता, लेकिन दोस्तों उस बोरिंग के पास ये पीपल का पेड़ जम गया है, और वहाँ पर एक बड़ा सा लोहा का खंभा है, उसके अंदर से निकला है दोस्तों। ऐसे मालिक को थैंक्स धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक ऐसे जगह पहले चलता हूँ दोस्तों ईंटों के बीच में पेड़ लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। दोस्त आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने सारे ईंट है, और इस ईंटों में सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इस ईंटों का बीच से पेड़ निकला है, लेकिन मालिक ने ईंटों को शायद छोड़ दिया। तो गाइस यार फिलहाल अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ये है हमारे गाँव के एक जाने माने पहचाने सिंगर दोस्तों, इनका फिलहाल अभी एक सॉन्ग आने वाला है। बोले पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो बहुत जल्द 13 तारीख आने वाला है, तो वहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप प्लीज देख लेना। तो दोस्त फिलहाल अभी आ चुके हैं बगीचे में, तो आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये जंगली है दोस्तों, और इसको हम लगाए हैं अपने आरामदायक छांव के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी पंछी है। लेकिन दोस्तों आप जो दूसरा का वीडियो देखे जिसमें ईंट के ऊपर पेड़ लगा था, वो दोस्तों बहुत दिन का वीडियो था, तो उसमें मैंने अपना वॉइस डाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में और किस मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।